हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और आज मैं बात करने वाला हूँ, मेरे पास है एक्सल 100 BS6 और इसमें प्रॉब्लम आ रही है रनिंग ऑफ की। गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी तुरंत हमारी ऑफ हो जाती है। कस्टमर की कंप्लेन है कि गाड़ी जैसे स्टार्ट में सुबह को करूँ या ठंडी गाड़ी को किसी भी टाइम स्टार्ट करूँ तो गाड़ी बंद पड़ जाती है तुरंत। अब मैंने इसकी अभी सर्विस की है और तब मैंने स्टार्ट करके देखा, तब भी गाड़ी के अंदर इसी तरह की दिक्कत है। तो इस समस्या को हमें ख़त्म करना है और किस तरीके से करना है मैं आपको पहले गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से गाड़ी हमारी बंद हो जाती है और आप तो जानते हो, अगर आप मैकेनिक हो, कि BS6 गाड़ी एकदम तुरंत स्टार्ट करते ही RPM बहुत ज़्यादा रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे RPM खुद कम हो जाते हैं जब हमारी गाड़ी 55 डिग्री गर्म हो जाती है। तो ये गाड़ी करीब करीब सभी कंपनियों की गाड़ियों में इस तरह की दिक्कत आ रही है। और एक्सल 100 का काफ़ी मेरे पास में लोगों ने कमेंट किया है कि सर, रनिंग ऑफ की प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर आ रही है या चलते चलते गाड़ी बंद हो जाती है या फिर खड़ी गाड़ी को हम स्टार्ट करें तब गाड़ी हमारी बंद हो जाती है। तो इसमें इसी तरह की दिक्कत है, गाड़ी को स्टार्ट करो बंद हो जाएगी। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है हमें, मैं इसकी सारी चीज़ें वैसे चेक कर चुका हूँ। मैं एक बार आपको बैटरी भी दिखा दूँ कि बैटरी इसकी कितनी चार्ज है। इस समय बैटरी का भी बहुत महत्व होता है इसके अंदर, कि बैटरी भी फुल चार्ज हमारी होनी चाहिए तभी सही चलेगी। तो ये मल्टीमीटर है, आप देख सकते हो हमारी जो बैटरी है वो 13 कुछ हो रही है, जबकि 12.49 पे हमारी बैटरी सही रहती है, 13 कुछ हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद, यानी हमने फ्यूल पंप भी इसका चेक कर लिया है, प्लग वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है और इंजेक्टर की भी सफाई मैंने इसकी कर दी है। तो अब हमें कम करना क्या है, लास्ट का ऑप्शन हमारे पास में है कि हमें इसका ECU रीसेट करना है। और ECU किस तरीके से रीसेट होगा ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, शायद वीडियो साफ़ नहीं आ रही हो, आज मौसम थोड़ा वैसा है और साफ़ वीडियो नहीं आ रही है शायद। तो इसमें हमारी दो ब्लैक वायर है जो हमारा डायग्नोस्टिक कपलर है, एक ब्लैक में पीली है एक ब्लैक में वाइट है। तो इस दोनों तारों में हमें आपस में तार मिला देनी है और मिलाने के बाद चाबी हमारी उस समय ऑफ रहनी चाहिए। दोनों तार मिलाने के बाद फिर हमें चाबी को ऑन करना है अपनी। चाबी ऑन हो गई है हमारी और डायग्नोस्टिक लाइट जल रही है। तो ये देखो हमारी 3 ये बिलिंग की है, कुछ टाइम लगता है इसको करने में, उसके बाद समझो कि हमारा ये रीसेट हो गया है ECU। जब हमारी 3 ये बिलिंग करेगी लगातार तो समझना कि हमारा ये रीसेट हो गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, चाबी को अपनी ऑफ़ करना है और चाबी को ऑफ़ करने के बाद हमें वो वायर निकालनी है डायग्नोस्टिक कपलर में से, और इसको निकालने के बाद हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है और 20 कम से कम हमें गाड़ी स्टार्ट रखनी है। और जो हमारा फ़ैन है यहाँ पे मैग्नेट पे जो हमारा फ़ैन कवर लगा हुआ है, इस फ़ैन कवर को हमें बंद करना है, यानी हमें 20 तक इंजन को हिट करना है अपने, पूरे 20 टाइम देख के। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद 20 तक इंजन को हिट करता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने 20 उसमें पूरा किया और अब गाड़ी हमारी ठीक हो गई है। अब मैं दोबारा से आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, जिस तरीके से गाड़ी पहले बंद हो जाती थी उस तरीके से अब बंद नहीं होगी गाड़ी। आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है हमारी। तो 20 आपको इंजन हिट करना है, जैसे जैसे मैंने बताया है 20 आपको इंजन हिट करना है, उसके बाद आपको गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करके चलानी है तो सही चलेगी आपकी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आप इसको रीसेट करोगे तो ये लाइट पहले बंद हो जानी चाहिए, उसके बाद आपको रेस वाला अपना ये घुमाना है 3 लगातार, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है उस समय, खाली घुमाना है आपको और ये 3 ब्लिंक करेगा, तब आप समझ जाना कि हमारी ECU रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से करके आप अपने ECU को रीसेट कीजिएगा
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।